तो अभी अभी बहुत ही बड़ी न्यूज़ यहाँ पर निकल के आ रही है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर इन सभी को कल से इंडिया में यहाँ पर बैन कर दिया जाएगा, यानी इस पर पूरी तरीके से यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो ऐसे में कुछ कमेंट आ रहे हैं कि क्या यूट्यूब और व्हाट्सअप को भी यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे में हो सकता है, क्योंकि अभी तक व्हाट्सअप ने भी यहाँ पर जो केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है इसका यहाँ पर पालन नहीं किया है। तो एक बार हम जो ऑफिशियल अपडेट है वो एक बार हम देख लेते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे ये पूरी तरीके से बंद होंगे या नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी अभी यहाँ पर मुख्य खबर निकल के आ रही है, यहाँ पर चेक कीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को भारत में प्रतिबंध का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है यदि वे नए दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का स्वीकार करने की समय सीमा थी वो 25 मई को यहाँ पर समाप्त हो जाएगी, लेकिन अभी तक व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर सहित किसी भी प्लेटफॉर्म ने नए नियमों का यहाँ पर पालन नहीं किया है और ट्विटर का भारतीय संस्करण को एकमात्र सोशल मीडिया ऐप है जिसने 25 मई की समय सीमा से पहले नए दिशा निर्देशों का अनुपालन यहाँ पर किया है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कल यानी 26 मई को पूरी तरीके से क्या इंडिया में बैन हो जाएंगे, यानी इस पर प्रतिबंध लगेगा या फिर नहीं लगेगा। तो देखिए फरवरी 2021 की बात है, इसमें ये केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन यहाँ पर जारी की थी कि सरकार के खिलाफ कोई भी यहाँ पर आवाज़ नहीं उठा सकते, यानी आजकल आप देख सकते हो जो चाहे वो यहाँ पर पोस्ट कर सकता है सरकार के खिलाफ। तो ऐसे में सरकार नहीं चाहती है कि जो चाहे वो पोस्ट करे और किसी को भी गलत फोटो यहाँ पर भेजे। तो अभी तक इनमें से किसी ने भी यहाँ पर सरकार का जो पालन है वो यहाँ पर नहीं किया है। तो ऐसे में जो भारत सरकार का कहना है कि इन्हें पूरी तरीके से यहाँ पर इंडिया में बैन कर दिया जाएगा। अगली अपडेट भी यहाँ पर देख सकते हो फेसबुक ने यहाँ पर क्या कहा है। तो फेसबुक के प्रवक्ता ने बयान यहाँ पर दे दिया है, यहाँ पर देखिए, हमारा लक्ष्य आईटी नियमों के प्रावधानों का पालन यहाँ पर करना है और कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा करना जारी रखना है जिनके लिए सरकार के साथ अधिक जुड़ाव की आवश्यकता यहाँ पर है। आईटी नियमों के अनुसार हम परिचालन प्रतिक्रियाओं को लागू करने और दक्षता में सुधार करने के लिए यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। यानी देखिए ये पूरी तरीके से आपके प्रतिबंध तो नहीं होंगे लेकिन 6 और 7 दिन तक यहाँ पर इस पर बैन हो सकता है, यानी प्रतिबंध लग सकता है। तो बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पर बंद नहीं होंगे, क्योंकि ये देखिए फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और इसके अलावा ट्विटर है, ये देखिए भारत के मुख्य ऐप है और ट्विटर एक ऐसा एकमात्र ऐप है जिस पर भारत सरकार की मुख्य अपडेट यहाँ पर होती है और देश विदेश की यहाँ पर खबर होती है। तो ऐसे में यह पूरी तरीके से बंद तो नहीं हो सकता है लेकिन इस पर एक अलग यहाँ पर चर्चा होगा, अलग मुद्दा यहाँ पर होगा और अलग यहाँ पर बात होगी और इन सभी को भारत सरकार का नियम का पालन करना ही होगा। अगर ये पालन नहीं करते हैं तो पूरी तरीके से यहाँ पर बंद हो सकते हैं। तो अभी तक यही अपडेट यहाँ पर निकल के आ रही है, आगे हम देखते हैं क्या अपडेट हो सकती है, यानी कल 26 मई से यह पूरी तरीके से यहाँ पर बंद हो सकते हैं।